नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। ग्राम भरतपुर जिला बदायूं, दिनांक 25 मई को राजेश्वर शास्त्री मंडल अध्यक्ष बरेली सनातन हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ एवं मुख्य वक्ता महंत अनिल नाथ योगी धर्माचार्य प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि कन्हैया यादव, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद चंद्रपाल सिंह, जिलाध्यक्ष बरेली उपस्थित हुए। महंत अनिल नाथ योगी ने संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत के नेतृत्व में संगठन हिंदू हितों में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर जात पात के भेदभाव को खत्म करते हुए राष्ट्र एवं धर्म की सेवा में कार्य करें। प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें बदायूं से जिला अध्यक्ष पद पर महेश चंद्र मिश्रा, जिला प्रभारी पद पर कुमार राजपूत को मंडल अध्यक्ष राजेश्वर शास्त्री की संस्तुति पर नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आने वाली 5 जून को हिंदू हृदय सम्राट गौरक्षा पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उस कड़ी को आगे बढ़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा 5 जून को कार्यक्रम आयोजित कर भगवान श्री राम से प्रार्थना की जाएगी कि हमारे जननायक माननीय मंत्री की आयु में वृद्धि कर उनका सदैव संरक्षण करें। इस अवसर पर आकाश यादव, जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद, गोलू अरोरा, जिला मीडिया प्रभारी मुरादाबाद प्रदीप कुमार पॉल, जॉनी कुमार, प्रदेश सदस्य शुभम गुप्ता, सह मीडिया प्रभारी जिला मुरादाबाद लोग मौजूद रहे। चैनल हेड खबर यूपी तक मोहित राठौर की रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम और महामंच पर उपस्थित आप सभी को जय श्री राम। मैं महंत संजय नाथ सनातन हिंदू वाहिनी से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में आपको पूर्ण बता चुके हैं। जिला अध्यक्ष में कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, इनकी संरक्षा में ये संगठन चल रहा है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल केवल और केवल सनातन धर्म और भक्ति भाव के लिए निकाल दिया। मैं चाहूंगा सभी लोग मिलकर एक बार जोर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जयकार लगाएंगे। राजेंद्र शास्त्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार जी के दिशा निर्देश में चल रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं चाहता हूं कि जो लोग यहां उपस्थित हुए गणमान्य व्यक्ति, हमारे आने वाले नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप आए मेरे पास और बाकी वाले सबका नाम बताएं, मुझे सम्मान करता हूं। हम सभी लोग संगठन विस्तार कार्यक्रम में आए थे जिसमें हमने जिला बदायूं से महेश चंद्र मिश्रा जी को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और अवन कुमार जी को जिला प्रभारी पद पर नियुक्त किया। साथ ही साथ हमने बरेली जिला प्रभारी जी को अन्य राम जी को नियुक्त करा। आज जिस कार्यक्रम से हम आए हैं, जिस संगठन के लिए हम चल रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि ओंकार परिवार के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोना, वो किसी भी कर्म जाति से आता हो, चाहे वो बोध हो, वैष्णवी हो, जैन हो, लेकिन हम सब लोग ओंकार परिवार से हैं। साथ साथ मैं जिलाध्यक्ष जी को जिम्मेदारी और दे रहा हूँ कि आने वाली 5 जून जो आज के युग के एक धर्म योद्धा, जो आज हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रबल, जो सनातन की लोगों को लेके अपने साथ चल रहा है, जिससे हम सबको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 5 जून को उनका अवतरण दिवस है। गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कालका पीठाधीश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ जी महाराज द्वारा हम सभी को ये निर्देश दिया गया है कि 5 जून को पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोग अपने तरफ से हर जिले में एक एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम से ये प्रार्थना की जाएगी कि
कि योगी आदित्यनाथ जी की आयु में वृद्धि हो, वो स्वस्थ रहे, हम सबकी यही मनोकामना रहेगी। और अपनी ओर से जो भी आप लोग आयोजन करना चाहें वो करें, क्योंकि आज योगी जी के शासन में वो किसी बिरादरी से हो और जहाँ तक मैं मानता हूँ किसी भी धर्म से हो, सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया निर्णय किसी के भी विरोध में नहीं है। वो केवल उनके विरोधी हैं जो लोग उल्टे हैं, बदमाश हैं, गरीब आदमियों को दुखी और परेशान करते हैं। वो चाहे किसी भी मदद में हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है और वो हिंदू भी हो सकता है, क्योंकि वो एक धर्म योद्धा है। वो अपने पास एक ऐसी दृष्टि ले रहे हैं जिसमें केवल सही और गलत की फर्क की जाती है, उसकी जाति की, उसके धर्म की फर्क के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। आज हमारे पास वो अवसर है कि हम इस संगठन के जरिए अपने सनातन धर्म के योद्धा योगी आदित्यनाथ जी के लिए योगदान करें और आने वाले 2027 के चुनाव में केवल उनके लिए प्रचार करते हुए उन्हें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त कराएं। साथ ही जब से वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं कि आज वो स्थिति नहीं है जो आज से पूर्व में हुआ करती थी। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, यहाँ तक कि हमारी साइकिलें सुरक्षित हैं। यदि पहले ऐसा होता था कि हमने घर के बाहर साइकिल खड़ी करी और वापस आए तो साइकिल गया। आज हमारा अगुआ कदम, हमारे सनातन धर्म का जो प्रचार है वो सुरक्षित है। वो केवल इसलिए है कि केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सांसद हैं। ये किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। यदि कोई और लोग फैलाते हो कि ये आएंगे और दूसरे धर्म के लिए या किसी बिरादरी के लिए खतरा है, सब कुछ नहीं है। हमें केवल और केवल इनके सामने ही इनके उत्तराधिकारियों की तैयारी करनी है, क्योंकि यदि हम अब लोग अब नहीं समझ पाए और एक नहीं हुए, जात पात के भेदभाव में बंटना हमने बंद नहीं करा, तो आने वाले समय में ऐसे योद्धा दोबारा नहीं आनेंगे और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अपने जिला अध्यक्ष भेचंद जी, जिला अध्यक्ष बरेली नागपाल सिंह जी, जिला प्रभारी बदायूं, जिला प्रभारी बरेली और मेरे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री जी को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि आपके जिले में चार के मंडल में चार जिले हैं और आपका ये जिला है और आपका बरेली जिला है। आप 5 जून को सुबह 11 बजे एक भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने गांव में करें, कहीं भी करें और कुछ भी करें, भंडारा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन एक कार्यक्रम अवश्य आयोजित करेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कालका ईश्वर मैं श्रीनाथ अब्दुल जी द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और मैं सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग मिलकर सबसे पहले उस प्रभु श्री राम के लिए जयकारे लगाएंगे जो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। कालका पीठा ईश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी महाराज की, कालका पीठा ईश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज की, कालका पीठा ईश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी महाराज की, जय जय श्री राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क।